ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जो नताशा कैंपुस के साथ घटी थी, जिसे वुल्फ कैम नामक व्यक्ति द्वारा 1998 में 10 साल की उम्र में किडनैप कर लिया गया था। तो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है नताशा को, जिसके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया है, जिसके कारण नताशा को कुछ महीने अपने पापा के साथ और कुछ महीने अपनी माँ के साथ रहना पड़ता है। नताशा का आज अपने पापा के साथ आखिरी दिन है, जिसके कारण उसके पापा एक छोटी सी पार्टी करते हैं जिसमें उन्हें काफ़ी देर हो जाती है, जिसके कारण नताशा अपनी माँ के पास देर से पहुँचती है और काफ़ी देर तक सो रही होती है। नताशा की मॉम नताशा को उठने बोलती है ताकि वो टाइम पे स्कूल जा सके, लेकिन नताशा सो रही होती है जिससे उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है। फिर नताशा उठकर तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने आती है, पर नताशा की मम्मी को नताशा का लेट उठना पसंद नहीं आता और वो गुस्सा हो जाती है और नताशा को एक थप्पड़ मार देती है, जिससे नताशा नाराज़ हो जाती है और पैदल ही स्कूल के लिए चली जाती है। आगे कुछ दूर जाने के बाद उसे वुल्फ के नाम का व्यक्ति किडनैप कर लेता है। नताशा चिल्लाती है तो वो आदमी उसे मारकर बेहोश कर देता है। नताशा जब होश में आती है तो अपने आप को एक छोटे से कमरे में बंद पाती है, जहाँ एक टॉयलेट और वॉश बेसिन के अलावा कुछ नहीं होता। नताशा दरवाजे को खटखटाती है, चिल्लाती है और रोती भी है, पर उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता। नताशा थक कर वहीं पर बैठ जाती है। फिर कुछ समय बाद वुल्फ कैन एक बिस्तर और खाना लेकर आता है। नताशा बहुत भूखी थी इसलिए वो खाना खा लेती है और सो जाती है। दूसरी तरफ नताशा की माँ और उसकी दादी नताशा के गुम हो जाने की कंप्लेंट पुलिस में करती है और सभी न्यूज़पेपर और टीवी चैनलों में नताशा कैंपस को दिखाया जाता है। ये न्यूज़ वुल्फ कैन और उसकी माँ भी देख रहे होते हैं, जिसे देखकर वुल्फ कैन कहता है, इंसान कितना गिर सकता है, वो ऐसे कैसे कर सकता है। वुल्फ कैन नताशा को लंच और डिनर देता है, ऐसे ही रोज होता है। एक दिन नताशा वुल्फ कैन को एक लेटर देती है और उसकी माँ को पोस्ट करने के लिए बोलती है। वुल्फ कैन वो लेटर रख लेता है। आगे वुल्फ कैन नताशा के बाल को शैम्पू करता है। नताशा वुल्फ कैन से अपनी माँ के बारे में पूछती है। वुल्फ कैन गुस्से में बोलता है, तुम्हारी माम को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उनसे कुछ मनी डिमांड की थी पर उन्होंने उसे पूरा नहीं किया, वो तुम्हें प्यार नहीं करते। पर ऐसा नहीं था, वुल्फ कैन नताशा के बदले कोई डिमांड नहीं किया था। इधर पुलिस नताशा को ढूंढ रही होती है और उन्हें एक क्लू मिलता है, जिस दिन नताशा का किडनैप हुआ था उसे एक लड़की ने देख लिया था, लेकिन वो वुल्फ कैन का चेहरा नहीं देख पाई थी, वो सिर्फ वो व्हाइट कलर की वैन को देखी थी। पुलिस जितने लोगों के पास व्हाइट वैन है उन सबके घर पूछताछ के लिए जाते हैं। पुलिस वुल्फ कैन के घर भी पूछताछ के लिए जाती है। पुलिस वैन की तलाशी लेते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। पुलिस वुल्फ कैन से कुछ सवाल पूछती है जिसका वुल्फ कैन नॉर्मली जवाब दे देता है, जिससे पुलिस वाले को वुल्फ कैन के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता। पुलिस वहां से चली जाती है। कहानी फिर से नताशा की तरफ आती है। वुल्फ कैन नताशा को कहानी पढ़ के सुनाता है और उसे कुछ बुक्स ला के देता है ताकि नताशा बोर ना हो। नताशा अपना टाइम बिताने के लिए कुर्सी को कपड़ा पहनाकर पढ़ाती है और इस तरह 4 साल बीत जाते हैं। नताशा अब टीन एज में आ गई थी, जिसके कारण उसके पीरियड्स होना स्टार्ट हो गया था, जिसके बारे में नताशा को कुछ पता नहीं था। इसलिए वुल्फ कैन नताशा को उस कमरे से बाहर लाता है और नहाने बोलता है। नताशा पहली बार उस रूम से बाहर आई थी। नताशा के नहाने के बाद वुल्फ कैन उसे फिर से उसी रूम में बंद कर देता है। उसी दिन शाम में वुल्फ कैन की मॉम वुल्फ कैन के ऊपर लड़की का एक बाल देख लेती है और वुल्फ कैन से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वुल्फ कैन उसे मना कर देता है। इससे वुल्फ कैन बहुत गुस्सा होता है क्योंकि इससे उसकी मम्मी को सब पता चल सकता था। वुल्फ कैन नताशा के सारे हेयर काट देता है। ऐसे ही कुछ दिन चलता है और अब वुल्फ कैन नताशा को खिड़की से बाहर देखने देता है और जैसे जैसे नताशा बड़ी होती जाती है वुल्फ कैन का बिहेवियर नताशा के लिए बदल रहा होता है। अब वो नताशा को घर का काम करवाता है और भारी से भारी काम करवाता है। वुल्फ कैन का नताशा के लिए नजरिया बदल चुका था। एक रात वुल्फ कैन नताशा से फिजिकल होता है और फिर ऐसा रोज करने लगा। वुल्फ कैन अब नताशा से सारा दिन काम कराता और उसे कुछ खाने को नहीं देता था। एक दिन वुल्फ कैन खाना खा रहा था, नताशा बहुत भूखी थी तो वो वुल्फ कैन की थाली से निकाल के खाने लगती है, जिससे वुल्फ कैन गुस्सा हो जाता है और नताशा को बेरहमी से मारता है, जिससे नताशा बहुत डर जाती है। उसके मन में वुल्फ कैन के प्रति डर बैठ जाता है। कुछ दिनों बाद वुल्फ कैन नताशा को लेकर कुछ सामान खरीदने एक सुपरमार्केट में जाता है। नताशा काफ़ी सालों बाद बाहर की दुनिया देख रही थी। सुपरमार्केट में एक टाइम ऐसा आता है जब नताशा के साथ वुल्फ कैन नहीं होता, वो अकेली होती है। नताशा के लिए यह एक अच्छा मौका था आज़ाद होने का, लेकिन नताशा के मन में वुल्फ कैन का इतना डर बैठा होता है कि वो किसी को कुछ बोल नहीं पाती और न ही वहाँ से बाहर भाग पाती है।
वो बहुत डरी होती है। तभी उसके पीछे वुल्फ केन आ जाता है, फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। एक रात जब वुल्फ केन नताशा के साथ फिजिकल होने वाला होता है, तब नताशा वुल्फ केन से पूछती है, तुमने मुझे ही किडनैप क्यों किया? इसका जवाब देते हुए वुल्फ केन कहता है, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद आई थी, और तुम्हें देखने के बाद मैंने सोचा तुम्हें मेरे पास ही होना चाहिए। इसके लिए मैंने 1 साल से तैयारी की, तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, तुम्हारा पीछा किया, तुम्हारे लिए बेसमेंट के नीचे एक कमरा बनाया जिसमें तुम रहते हो। अगले दिन वुल्फ के नताशा को एक हिल स्टेशन पर लेकर जाता है, जहाँ ये दोनों बर्फ पर स्केटिंग करते हैं। और जब नताशा वॉशरूम जाती है तो वहाँ एक लेडीज़ मिलती है। नताशा उस लेडीज़ को सब कुछ बताती है और हेल्प मांगती है, पर दोनों की लैंग्वेज अलग होने के कारण वो लेडीज़ नताशा की बातों को नहीं समझ पाती और वो लेडीज़ वहाँ से बाहर निकल जाती है। यह बात वुल्फ केन सुन लेता है और नताशा को घर आकर बहुत मारता है। अब नताशा कैसे भी करके वहाँ से भागना चाहती है। अगले दिन नताशा का 18वां जन्मदिन होता है। वुल्फ केन उसके लिए केक लाता है और वो एक ड्रेस नताशा को गिफ्ट करता है। नताशा खुश होती है और वो दोनों डांस करते हैं। अगले दिन नताशा और वुल्फ केन गार्डन में काम कर रहे होते हैं। उन दोनों को एक लेडीज़ देख लेती है। नताशा उस लेडीज़ से हेल्प मांगना चाहती है, पर वुल्फ केन वहाँ होता है। वो कुछ नहीं कर पाती और अपने ऊपर बहुत गुस्सा होती है। वुल्फ केन नताशा को बताता है उसको पैसे की ज़रूरत है और वो वाइट वैन बेचना चाहता है। नताशा और वुल्फ मैन वैन की सफाई कर रहे होते हैं। नताशा गेट की तरफ देखती है, तभी वुल्फ केन का एक कॉल आता है और वो बात करने गैरेज के अंदर चला जाता है। नताशा को यही मौका सही लगता है वहाँ से भागने का और वो वहाँ से भाग जाती है। कुछ दूर भागने के बाद वो एक घर में घुस जाती है जहाँ एक महिला होती है। नताशा उस महिला को अपनी किडनैपिंग के बारे में बताती है और पुलिस को बुलाने बोलती है। वो महिला पुलिस को बुला लेती है। पुलिस वुल्फ केन को पकड़ने जाती है, पर वुल्फ केन ट्रेन के आगे सुसाइड कर लेता है। नताशा 8 साल बाद अपने मम्मी पापा से मिलती है। नताशा पहले चबी हुआ करती थी लेकिन अब इसकी नहीं है, जिसके कारण उसके मम्मी पापा को उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन बर्थ मार्क से और DNA टेस्ट से नताशा को पहचाना गया। तो दोस्तों, मूवी यहीं ख़त्म होती है। आई होप मूवी आपको पसंद आई होगी। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।